दोस्तों पिरामल एंटरप्राइजेस के क्वार्टर टू के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पिरामल एंटरप्राइजेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू का नंबर है ये पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 6% से बड़ा है और 3105 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। लेकिन देखिए जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में गिरकर 426 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट का नंबर इस क्वार्टर में आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो सिक्वेंशियल बेसिस का ये जो नंबर गिरा है, जो इनका जो केस चल रहा था, यानी कि जो कोर्ट के ना इनका जो केस चल रहा था, तो उसको रिजोल्यूशन के लिए लगभग 150 करोड़ का कंपनी को एक्सपेंस हुआ है। तो उसकी वजह से हमें ये नंबर इतना गिरता हुआ नजर आ रहा है। बाकी कंपनी के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो उतने ही हैं जो पिछले क्वार्टर में थे। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर 5% से गिरा है और 3105 करोड़ पे ये नंबर निकल कर आया है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी वाला नंबर है ये 32% से गिरकर 426 करोड़ का कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के नंबर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का नंबर है वो पिछले साल की सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में कम आया है। अब देखिए लगभग 67,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, 48 के पी पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है। तो देखा जाए तो अभी हमें दोनों ही बेसिस पे ये नेट प्रॉफिट का नंबर गिरता हुआ नजर आया है, तो ये जो पी का नंबर है ये हमें और बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो देखा जाए तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूड पिरामल एंटरप्राइजेस ट्रेड हो रहा है। अब अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल का जो फाइनेंशियल ट्रेंड है वो इतना कुछ खास नहीं है इस कंपनी का। देखिए यहाँ पे जो कंपनी ने प्रॉफिट रिपोर्ट की थी तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट का नंबर कम हुआ है और 1920 वाला फाइनेंशियल ईयर कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है। और उसके बाद भी अगर हम देखेंगे तो ये प्रॉफिट का नंबर इतना कुछ खास नहीं रहा है। और अगर हम अभी भी देखेंगे तो लगभग जो अभी तो 150 करोड़ का जो कोर्ट का केस चल रहा था उसके रिलेटेड वहाँ पे हुआ है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। अब देखिए 2,753 रुपीज पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है, लगभग 3,300 का स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। तो अगर हम वहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो लगभग 15-16% ये स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट कर चुका है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है करेक्ट। लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो पिरामल एंटरप्राइजेस जो अभी इन्होंने देवान हाउसिंग यानी कि जो DHFL को इन्होंने बाय किया है, तो उसके बाद उनकी जो लोन बुक है वो वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। तो देख ऐसा लगता है कि एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो मेरे ख्याल से अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो ही आपने इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, अगर एक कंजर्वेटिव टू मॉडरेट काइंड ऑफ इन्वेस्टर अगर आप हैं तो मेरे ख्याल से आपने स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, और शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा मार्केट पे सेलिंग प्रेशर डाल सकते हैं। दोस्तों मैं होप करता हूँ कि पिरामल एंटरप्राइजेस के क्वार्टर टू के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।